चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, जैसे कि आपको पता है सबको कि हम एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले पिछले का थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ कि हमने पीछे क्या किया था। हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग की कुछ इनिशियल्स थे उनके बारे में पढ़ा था, बताया, सीखा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या। जैसे कि आप सबको पता कि जितने भी वेरियस आपके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें अपनी ब्रांडिंग करना, प्रमोशंस करना, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना या ऑर्गेनिक करना, मार्केटिंग करना, पेड मार्केटिंग या ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पैसों से बगैर पैसों से, ये हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग है। उसमें आपकी फेसबुक मार्केटिंग आ जाती है, उसमें आपकी इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ जाती है, उसमें आपकी यूट्यूब मार्केटिंग आ जाती है, लिंक्डइन में, जितने भी आपकी सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उन पे हम जब मार्केटिंग करते हैं जो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया मार्केटिंग की कितनी टाइप्स हैं। टू टाइप्स हैं, एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक होती है पेड मार्केटिंग। याद है आप सबको? मुझे कमेंट में बताएं जरा आप भी दोनों, जो पीछे हमने लेक्चर में रिवाइज किया था आप दोनों को, उसमें कुछ मसला है, कोई नहीं, कोई चीज समझ लगी तो मुझसे पूछें ताकि मैं आगे फॉरवर्ड जो है फिर हम मूव करें। कोई भी क्वेश्चन हो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उससे रिलेटेड, कोई चीज नहीं समझ लगी आपका, कोई मसला आपको आया हो। अच्छा आयशा, आपकी ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं फिर थोड़ा सा एंड में वाइंड अप दे दूंगा कि हमने पिछले में क्या किया था। अच्छा तरीम, आप तो पिछली क्लास में थी। आपको, आप लोगों को मैंने एक सोशल टास्क दिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो क्या था अगर आपको याद हो तो मुझे बताएं। वालेकुम सलाम। चलें शाबाश, इसका मतलब आपने अकाउंट बना लिया। उसमें मैंने आपको कहा था कुछ लोग भी ऐड करने हैं, वो किए थे आपने? चलें अच्छी बात है। ज्यादा आप लोग लेट हो, सवा दो दो हो गए। हैं यार, कोशिश करना 5 मिनट पहले पहुंच जाया करो। आप दोनों की भी आज पहली क्लास है? अच्छा चले मैं पहले थोड़ा सा वाइंड अप प्रीवियस लेक्चर का दे देता हूँ। ये क्लास है हमारी, जो कोर्स है ये है एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ऐसे ही आपने बताया उनको सारी डिटेल, ठीक है जी। तो सोशल मीडिया की कुछ आवनाओं है आपको, क्या होता है सोशल मीडिया बताया। बिल्कुल ठीक है, आपको भजन आवनाओं है सोशल मीडिया की? इधर आ जाओ आप, इधर आओ यार, मुझे आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही। चले बिल्कुल ठीक है। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, जैसे मैंने पिछले में भी लेक्चर में बताया था, आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म जो बने हुए हैं ना, जो इंटरनेट पे हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप वगैरह है, जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उसमें जब आप अपने बिजनेस की या अपने ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल
सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक मार्केटिंग भी है, यूट्यूब मार्केटिंग भी है, लिंक्डइन मार्केटिंग भी है, ट्विटर मार्केटिंग भी है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो जो आप मार्केटिंग के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब मैंने पीछे ये बताया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग करते हैं ना वो दो तरह की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो बगैर पैसों की होती है जिसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, और दूसरा होती है पेड मार्केटिंग। अब पेड मार्केटिंग आप लोगों को यकीनन पता होगा, आप अक्सर देखें फेसबुक पे ऐड चल रहे होते हैं, फेसबुक के ऐड अक्सर आप देखते हो ना, आप एम स्क्रोल करें तो सामने आपके ऐड आ जाता है, ऐड चल पड़ता है, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वो आपकी पेड एडवर्टाइजमेंट है या पेड मार्केटिंग है। जब आप फेसबुक को पैसे दे के अपनी मार्केटिंग करोगे या किसी भी सोशल साइट को, वो आपकी पेड मार्केटिंग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई मसला कोई मसाइल नहीं। अच्छा, पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, कि मुफ्त में हम मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं। उसके कुछ तरीके कार होते हैं, जैसे आपका एक कंटेंट अच्छा रेडी होना चाहिए, उसमें आपके वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि उस सोशल मीडिया पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ऐसे फेसबुक का अलग होते हैं, इंस्टाग्राम के अलग होते हैं, ट्विटर के अलग होते हैं, लिंक्डइन के अलग होते हैं, ऐसा ही है ना। फिर आपने अपना एक अच्छा सा कंटेंट लिखना है, अच्छी सी एक पिक्चर देनी है या एक वीडियो मुनासिब से आपने दे के उसको आपके एल्गो के हिसाब से जब वो रेडी हो जाएगा तो आपने इसके ऊपर मार्केटिंग शुरू कर देनी है। और पेड मार्केटिंग में वो हमारे एड्स होते हैं, वो एड किस तरह चल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि एड फेसबुक पे एड किस तरह चलाए जाते हैं, जो कि बड़ी एक जरूरी चीज है। ठीक है, उसमें आपकी ऑडियंस टारगेट होती है, लोकेशन टारगेट होती है, उनके डेमोग्राफिक्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या मैंने एक टास्क दिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, क्या दिया था? नहीं, मैंने काम कहा था करने को सोशल मीडिया का, फेसबुक का। हाँ, बनाया, उसमें कितने बंदे ऐड किए हैं? चलो शाबाश, पक्की बात है ना, गोली तो नहीं दे रहा। चलो अच्छी बात है, आपने एक अकाउंट बना लिया उसमें से 200 बंदे आपने ऐड कर लिए, चलो अच्छी बात है। अब आज हमने क्या करना है, आज फेसबुक का पेज किस तरह क्रिएट करते हैं आज हमने वो सीखना है। ठीक है जी, अब आप सब जो है ना अटेंटिव हो जाए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आपको इधर नजर आ रही है? अच्छा जी, ऑनलाइन जो बैठे हैं उनको मेरी जो है वो नजर आ रही है, स्क्रीन शेयर आ गई है, तो मुझे चैट में बताएं फटाफट, फिर हम काम शुरू करें। अच्छा सर जी, आपकी पहली क्लास है ना? चलिए, आज फिर काफी लोगों की पहली क्लास है, आज मैं फिर आप लोगों को पहले अकाउंट बनाने का सिखा देता हूँ। अच्छा, अब आपने इसका मतलब फेसबुक भी कभी यूज नहीं की। सबसे पहले तो देखें, इसके लिए जरूरी है कि आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको फेसबुक का अकाउंट बनाना सिखाता हूँ।
अच्छा, जब आप फेसबुक डॉट ऐसा आपको नजर आ रहा है, मुझे बताएं चैट पे। अच्छा, जब आप फेसबुक डॉट कॉम खोलेंगे तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है। ठीक है, अपना नाम देना है, सारा कोई अपनी इंफॉर्मेशन दे के, मोबाइल नंबर या पासवर्ड दे के साइन अप कर देना, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। बस ये एक इतना सा प्रोसेस है। फिर आप देख लें सारे, क्रिएट न्यू अकाउंट में जाके आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट नेम मांगेगा, सर नेम मांगेगा, जैसे मिसाल के तौर पे जहीर फर्स्ट नेम है, और स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा, चलिए दोबारा से देखें। जब आप फेसबुक डॉट कॉम खोलेंगे, अब नजर आ रहा है आपको, आता है दोनों को फेसबुक अकाउंट बनाना। अच्छा, चलो बता देता हूँ। आपने फेसबुक डॉट कॉम पे जाना है, क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, अपना फर्स्ट नेम लिखना है जहीर, सर नेम बट, ठीक है जी। नीचे आपने ईमेल एड्रेस दे देना या नंबर दे देना, जैसे जहीर बट 123@gmail.com। ठीक है जी। आप फिर आपने अपना पास री एंटर करना अपना ईमेल। gmail.com, फिर आपने अपना पासवर्ड, जो भी आपको इजी लगे, जो पासवर्ड आपने कोशिश करना है वो हो जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो और इजी रिमेम्बरेबल भी हो, यानी बिल्कुल आसान सा भी ना हो और इतना भी मुश्किल ना हो कि आप उसको लगा के भूल ही जाए। तो मुनासिब सा पासवर्ड रखना आपने, ताकि आपको याद भी रहे और कोई उसको क्रैक भी ना कर सके। जैसे मैंने पासवर्ड दे दिया, फिर अपनी आपने डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, 14th मार्च। कर दी, अपना जेंडर बता देना, मेल है या फीमेल है, और करके आपने साइन अप कर देना। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, आपका जो है एक नया अकाउंट वो बना देगा। ठीक है ऐशा, यहाँ तक क्लियर है आप? यहाँ तक ऐशा क्लियर है आपको, मुझे बताएं कमेंट में। अच्छा, जब आप ये साइन अप कर लेंगे तो ये सर्च बार है, इस पे जाके हम जब डिफरेंट नेम लिखेंगे, मिसाल के तौर पे ये देखो, ठीक है। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि अपने सर्कल के लोगों को ऐड कर लें, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, घर वाले, उनको ऐड करके फिर जो बाहर की कम्युनिटी है आप उनको ऐड करें। इस तरह जब आप करेंगे तो खुद ही आपके पास 400, 500, 1000 तक लोगों का ही एक कम्युनिटी बन जाएगी। अच्छा, जब आपका पेज जो अकाउंट 2-4 दिन पुराना हो जाएगा, उसमें कुछ एक्टिविटीज हो जाएंगी,
उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, हमने अब क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, पेज क्रिएट करना। असल चीज ये है अकाउंट से ज्यादा जरूरी, असल जो गेम है वो पेज की है, क्योंकि आपका जो पेज है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपके बिजनेस का, आपके ब्रांड का। ऑनलाइन लोग जो है उनको सब स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है उनको, मुझे बताएं चैट में ताकि हम कंटिन्यू करें। चलिए अच्छी बात है। अच्छा अकाउंट बनाना आ गया सबको, अब हम पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। आपके होम के लेफ्ट पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा पेजेस का, ठीक है जी, इसको आपने ओपन किया। ये है जी आपका क्रिएट न्यू पेज का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। जब आप क्रिएट न्यू पेज करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना ब्रांड नेम डिसाइड करना है, ठीक है जी। जब आप पेज बनाएंगे तो पेज के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपका कोई ना कोई ब्रांड नेम होना चाहिए, क्योंकि हम क्लोथिंग की डोमेन में काम करेंगे, फैशन के डोमेन में काम करेंगे, तो हम इसी को लेके अपने साथ चलेंगे, ठीक है जी। हम एक ब्रांड नेम अपना बनाएंगे, कोई भी जो हमें पसंद हो, मिसाल के तौर पर टेक्नो क्लोथिंग, ठीक है, कोई भी। फिर अपना यूजर नेम, जरूरी नहीं है कि आपका यूजर नेम आपका फुल ब्रांड नेम हो। यूजर नेम बेसिकली होता है आपकी एक पहचान के लिए, वो आप अपना एक सेमी ब्रांड नेम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका पूरा ब्रांड नेम टेक्नो क्लोथिंग है तो आप खाली यार टेक्नो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मेजर इसमें जो चीज होती है वो आपका ब्रांड नेम होती है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज आपका कवर फोटो और आपकी प्रोफाइल फोटो, ठीक है। आपकी कवर फोटो और आपकी प्रोफाइल फोटो ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके पूरे बिजनेस का एक मैसेज गिविंग कोलाज हो, ठीक है। जैसे अगर आप क्लोथिंग या फैशन पे काम कर रहे हैं तो आपका इसी से रिलेटेड पेज वो होना चाहिए। अब जैसे हमारा एक टेक्नो का पेज चल रहा है, ठीक है, इसकी एग्जांपल आपके सामने, जैसे कि आपको पता है ये एक एजुकेशनल पेज है, ये लोगों को स्किल सिखाता है। अब इसके कवर फोटो से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारी सर्विस क्या होगी या इस पेज की क्या सर्विस है, ठीक है। तो आपके बिजनेस का भी जो आपका डिस्प्ले पिक्चर होनी चाहिए वो ऐसी ही होनी चाहिए जो कि आपके बिजनेस का एक मैसेज दे। अब इस पिक्चर को देख के बड़े आराम से पता लग सकता है कि इनका काम क्या होगा, ठीक है जी, ऐसा ही है। उसके बाद कोशिश ये करें कि जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो वो आपका अच्छा सा लोगो हो, क्योंकि लोगो ही इंसान के बिजनेस की पहचान होती है। जब हम बिजनेस का थोड़ा सा मैनेजमेंट का स्टडी करते हैं तो हमें उसमें ये सिखाया जाता है कि लोगों की इम्पोर्टेंस क्या है। लोगो आपका बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो हम अक्सर बिजनेस में क्या करते हैं, जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है वो हमारा लोगो रखते हैं, और जो आपकी कवर फोटो होती है वो एक कोलाज होता है आपके बिजनेस का। उसी तरह आपने एक अच्छी सी अपनी कवर फोटो डिजाइन करनी है और अपना एक लोगो डिजाइन कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद सबसे जरूरी चीज है आपके पेज की ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं तो आपके पेज की ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। बगैर ऑप्टिमाइजेशन, अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, वो लोग जो कि नया नया काम कर रहे हैं उनके लिए ऑप्टिमाइजेशन एक नया वर्ड होगा। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली कहते हैं आसान अल्फाज में किसी चीज को अच्छा करना, अपडेट, अप टू डेट करना। आपके पेज में
देखें, ये क्लोथिंग का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आप कोई भी नाम रखें जो आपका ब्रांड नेम है, आप कोई भी अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करें और उसका नाम रख सोच के रखें। ये तो एक मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैंने दिया कि जी क्लोथिंग एक ब्रांड नेम है, आपका नाम तहरीम है, आप तहरीम क्लोथिंग रखें या तहरीम फैशंस रखें, इस तरह का कोई भी नाम जो आपको पसंद हो, जो आपको लगता हो कि आपका ब्रांड नेम हो सकता है, उसको अपना ब्रांड नेम रखो, कोई मसला नहीं। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्लोथिंग का है आपको। अच्छा, अब अबाउट सेक्शन को हमने ऑप्टिमाइज किस तरह करना है ये जरूरी है, ये सुन लें। पहले हम काम करें ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे, कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम किस तरह करते हैं, उसके बाद फिर हम पेड पे मूव करेंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग के आपको तरीका बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, अपनी लोकेशन एंटर करनी है कि आप कहाँ पे आपका बिजनेस है, कहाँ पे आपकी दुकान है या कहाँ आपका ऑफिस है, अपनी आप एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ देंगे तो वो आपके मैप पे शो हो जाएगी। इसका सबसे आसान फायदा, ज्यादा फायदा आपको ये होगा कि किसी को आपके एड्रेस तक पहुंचने के लिए बार बार आपको तंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो गूगल मैप पे आपकी लोकेशन डालेगा, टक करके वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो लोकेशन का ये आपको फायदा है कि एक तो आपके बिजनेस की प्रमोशन है, सबको पता होगा कि आपका बिजनेस, आपकी दुकान शॉप या किधर है, और दूसरा लोगों को आप तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल आएगी, अगर आपकी जो लोकेशन गूगल मैप पे है बिल्कुल आएगी, और आजकल तो हर लोकेशन गूगल मैप पे लिस्टेड है, गूगल में तो हर चीज अपडेट हो गई हुई है लोकेशन वाइज। वैसे तो गूगल मैप पे भी लोकेशन अपडेट करवाने का एक तरीका होता है, हम SEO के लेक्चर में उसके ऊपर भी काम करेंगे, गूगल मैप पे हम किस तरह अपनी लोकेशन डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल अपनी जब लोकेशन डालोगे ना, एड्रेस दोगे अपना, सिटी, पोस्टल कोड, तो बिल्कुल आपको ये ट्रैक कर लेगा यहाँ पे कि आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आती है, डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी डिटेल बतानी है, 200 तकरीबन 100 से 200 वर्ड्स की, कि आप काम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस की क्या बतानी है आपने डिटेल, ताकि जो बंदा आपके पेज के अबाउट सेक्शन पे आए उसको अबाउट सेक्शन पढ़ के अंदाजा हो जाए कि आप क्या काम कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे हम क्लोथिंग चूंकि लेके चल रहे हैं, आगे आपको इंटर्नशिप हमने क्लोथिंग के डोमेन में करानी है, फैशन के डोमेन में, तो आपका थोड़ा बैकग्राउंड में उसी पे स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे हम वुमेन क्लोथिंग पे या मेन क्लोथिंग पे काम करते हैं, तो हम अपने अबाउट सेक्शन में बताएंगे कि हम स्टिच क्लोथ पे काम कर रहे हैं, हम या अनस्टिच पे काम कर रहे हैं, या हम रेप्लिका पे काम कर रहे हैं, या हम कौन कौन से ब्रांड हैं जिनके हम रेप्लिका दे रहे हैं, जिनको हम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये हर डिटेल आप उस पर अपने अबाउट सेक्शन में मेंशन करोगे। ये बहुत जरूरी है, जो कि अक्सर लोग, आप अक्सर पेजेस पे आप देखो डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं होती, यहाँ होती है, अभी तो बहुत थोड़ी होती है। उसका नुकसान ये होता है कि आपको ऑर्गेनिक क्रॉलिंग नहीं मिल पाती, फिर आप गिला करते हो जी कि हमारे पास लाइक्स नहीं आ रहे, हमारी एंगेजमेंट नहीं हो रही, हमारी शेयरिंग नहीं हो रही हमारा ये, और भाई ऑडियंस होगी तो सारा कुछ होगा ना, तो ऑडियंस ने इसी तरह ही आना है ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट है, आपने वेबसाइट एंटर कर लेनी है, अगर आपका फोन नंबर है, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे होगा माई पेज डजंट हैव अ वेबसाइट, इसको आपने कर देना, ठीक है। अगर वेबसाइट है तो यहाँ लिंक दे देना, अगर वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे ये कर देना माई पेज डजंट हैव अ वेबसाइट, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने अपने फोन नंबर दे देना, अगर फोन नंबर भी नहीं है तो नीचे आपको ऑप्शन गिवन होगा, ठीक हो गया। हाँ, एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, इसी तरह दोगे आप, एक एंटर करके फिर दूसरा सारी एंटर कर दोगे, जितने मर्जी दो आप, इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं है, जितनी मर्जी दो दे सकते हो आप। वैसे इसमें जो ऑप्शन होता है ना ज्यादातर, वो एक हम दे देते हैं फोन नंबर का यहाँ पे, दूसरा हम यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन दे देते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का बटन किस तरह लगाते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देना, अगर वो भी नहीं है तो आपने यहाँ पे माय पेज डजंट हैव एन ईमेल एड्रेस कर देना। फिर असल चीज, आपने बिजनेस आवर्स बताने हैं आपने, आप यहाँ पे जाओगे ना एडिट बिजनेस आवर्स, इस पर क्लिक करोगे तो पता लग जाएगा कि ऑलवेज, अगर आप 24 घंटे हैं तो आप ऑलवेज ओपन करेंगे, अगर आप सिलेक्टेड घंटे हैं तो ये देखें बता देगा ओपनिंग टाइम क्या है, क्लोजिंग टाइम क्या है, किस किस दिन आप ओपन है, और इनमें से अगर किसी दिन आपकी छुट्टी है, मिसाल के संडे की छुट्टी है,
तो आप क्या करेंगे? हाँ ये सारे इंफॉर्मेशन देके और इस पे जो है आप ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है? फिर ये खत्म हो जाएगा आपके पास। जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन आपने इंफॉर्मेशन नहीं देनी। जैसे अगर आप मंडे को ओपनिंग टाइम बता दे रहे हैं, क्लोजिंग टाइम बता देना है, ट्यूसडे का ओपनिंग टाइम बता देना है, क्लोजिंग टाइम बता देना है, वेडनेसडे का ओपनिंग टाइम बता देना है, क्लोजिंग टाइम बता देना है। संडे की छुट्टी है तो संडे को आप नहीं दोगे, ठीक है जी? तो ऑटोमेटिकली वहां शो कर देगा संडे हॉलीडे। ठीक हो गया जी? उसी तरह ही हमारे पेज की कुछ मजीद सेटिंग्स भी होती हैं। अब आजकल कोविड की अपडेट जा रही है कि हम कोविड पे किस तरह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी? अब पेज की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास कुछ एडिशनल सेटिंग्स भी होती हैं। ये कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं, ठीक है? पेज की विजिबिलिटी, अगर पेज हमने पब्लिश यहाँ पे पब्लिश हो गया तो आपका पेज यहाँ पब्लिश नजर आ जाएगा। इसका मतलब आपका पेज सबके पास अवेलेबल है फेसबुक पे। अगर ये नॉट पब्लिश आएगा तो इसका मतलब आपका पेज अवेलेबल या विजिबल नहीं है, ठीक है? अच्छा, फिर विजिटर पोस्ट के, क्या आपके पेज पे कोई भी अपना कंटेंट या अपनी फोटो जो है वो ऐड कर सकता है कि नहीं, यहाँ पे आपने इसको सेटिंग कर देना यस या नो करके, ठीक है? इसके बाद टैगिंग के, कौन कौन आपको टैग कर सकता है या कौन कौन आपको टैग नहीं कर सकता। कंट्री रिस्ट्रिक्शन, इवन कि आप ये भी बता सकते हैं कि किस मुल्क में आपका पेज विजिबल होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो आप करेंगे तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आप कहते हो जी मेरा जो पेज है वो दुबई या सऊदी अरब नजर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आप उसको जाके रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, वो वहां पे नजर नहीं आएगा, ठीक है? और अगर आपने अपना पेज रिमूव करना हो तो यहाँ पे जाके आप डिलीट जो पेज कर देते हैं, क्योंकि अक्सर होता है इंसान अपना पेज खत्म करके कोई नया बनाना चाह रहा होता है, तो ये भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है कि हम पेज को इनिशियली ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं? अब आप लोग अपना पेज बना लेंगे, पक्की बात है, ऑनलाइन मुझे लोग बताएं ताकि फिर हम मजीद काम करें। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट है बताएं उनको, यहां तक क्लियर है बात कि पेज किस तरह बनाया जाता है? करीम और ऐशा आप दोनों भी बताएं ताकि फिर मैं आगे फॉरवर्ड मूव करूं। देखिए मेरी बात सुने, गलत इसमें गलत या सही की बात नहीं है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमने आपको क्लोथिंग के डोमेन में काम करवाना है, तो हमने क्या काम करवाना है वो आपको हम चीजें सारे प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन अभी आपने ऐसी दे, डिस्क्रिप्शन हम हर टाइम एडिट कर सकते हैं। अभी फिलहाल डिस्क्रिप्शन आपने वो देनी है जो कि क्लोथिंग से सिमिलर हो के, जैसे हम अनस्टिच क्लोथ दे रहे हैं, हम स्टिच क्लोथ दे रहे हैं, हम मेन क्लोथ दे रहे हैं, विमेन क्लोथिंग दे रहे हैं। अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना करेंगे, इसकी डिटेल में हम तब जाएंगे जब हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। डिस्क्रिप्शन आपकी जितनी भी हैं वो एडिटेबल होती हैं, वो अगर आप एक दफा लिख दें तो वो ये नहीं है कि वो पत्थर पे लकीर है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी सिर्फ हम जो डिस्क्रिप्शन देंगे वो हमारे बिजनेस का इंट्रोडक्शन होगा कि हम बिजनेस कर क्या रहे हैं। उसकी जो मजीद डिटेल होगी वो जब हम प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे फिर उसमें हम उसको ऐड करेंगे।
रैंडम इन्फो नहीं आपने देनी है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देना है बस। बिजनेस का अपना एक इंट्रोडक्शन आपने देना है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर जैसे क्लोथिंग है तो क्लोथिंग में आप क्या कर रहे हैं, वुमेन क्लोथिंग कर रहे हैं, मेन क्लोथिंग कर रहे हैं, आप जो हैं अनस्टिच कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, रेप्लिका कर रहे हैं, या जेन्युइन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। आशा ने पूछा है जी कि क्या आप हमें ब्रांड देंगे प्रमोट करने के लिए। देखें हम एक हमारा बेसिकली ये जो कोर्स है वो मैंने आप फर्स्ट लेक्चर में नहीं थी वो ये कोर्स लीडिंग टू जॉब है। हम यहाँ से बच्चे फिल्टर करेंगे कि जो हमें लगेगा कि वो यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम उनको आगे एक जॉब की अपॉर्चुनिटी देंगे, वहां पे हम उनको अपना ब्रांड पे अपने ऑन बोर्ड लेंगे, प्रॉपर उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस इस कोर्स में जो है वो अच्छी और यकीनी बनानी पड़ेगी, ताकि आप हम आपको फिल्टर करके आगे लीडिंग टू जॉब करें। ये कोर्स बेसिकली लीडिंग टू जॉब है। ये फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट मैंने ओरिएंटेशन में बताया था, आप तो प्रेजेंट नहीं थी, तो इसका एक रैंडम सा मैं आपको लेक्चर के एंड में दोबारा सबको ब्रीफ कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए ये कोर्स आपको बताना हूँ कि ये कोर्स लीडिंग टू जॉब है, लेकिन सिर्फ फिल्टर्ड बच्चों के लिए जो यहाँ से हम फिल्टर करेंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अपनी जो है वो परफॉर्मेंस यकीनी बनाए। खैर बगैर टाइम वेस्ट के हम आगे चलते हैं। अच्छा उसके बाद पेज के रोल्स आ जाते हैं। अक्सर आप देखो जी कोई कहता है यार मुझे एडमिन बना दे, मुझे एडिटर बना दे, मुझे ये बना दे, मुझे वो बना दे। पेज रोल्स बेसिकली होते हैं कि आपके पेज के स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर समझते हो, जिनका कंट्रोल होता है आपके पेज पे, वो रोल आप यहां से साइन करते हो। ठीक है, पेज रोल कितने किस्म के होते हैं? एडिटर होता है, एडमिन होता है, मॉडरेटर होता है, एडवर्टाइजर होता है, और एनालिस्ट होता है। ये लिख लो अपने पास, अगर नहीं लिखना तो अपने जेन नशीन कर लो। सब बताता हूँ यार, उसमें बताता हूँ आपको सीक्वेंस में। पूछा क्या आपने? हाँ मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ, पहले ये देखो ना आप। एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर है वो, मॉनिटाइजर नहीं, मॉडरेटर, एडवर्टाइजर, एनालिस्ट। ऑनलाइन मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अच्छा अब इसमें एडमिन क्या होता है? एडमिन वो होता है जिसके पास सारी एक्सेस होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग रोल एडमिन का होता है। वो पोस्ट भी कर सकता है, एड भी चला सकता है, एनालिसिस भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एडमिन का रोल सबसे पावरफुल रोल होता है किसी भी सोशल मीडिया पेज पे। ठीक है, इसके पास सारी एक्सेस होती है। ठीक हो गया, उसके बाद आ गया एडिटर। एडिटर के पास सिर्फ इतनी एक्सेस होती है कि वो आपकी पोस्ट वगैरह को या आपके पेज वगैरह को एडिट कर सके, बस। वो एड नहीं चला सकता, वो किसी का रोल चेंज नहीं कर सकता, वो पैसे वगैरह का कोई इसमें यूज नहीं कर सकता। एडिटर का रोल सिर्फ इतना होता है कि वो आपके जो पेज की जो पोस्ट है उनको एडिट वगैरह कर सके, या इस तरह का छोटा मोटा काम कर सके बस। मॉडरेटर का रोल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है एडिटर की नस्बत। वो आपके पेज को थोड़ा एडवांस लेवल पे ऑप्टिमाइज या उसको मॉडरेट कर सकता है, उसके ऊपर काम कर सकता है। एडवर्टाइजर कौन होता है? एडवर्टाइजर वो होता है जो आपके पेज पे सिर्फ एड चला सके, और इसके पास कोई रोल नहीं होता। ठीक है, एनालिस्ट होता है जो कि सिर्फ आपके पेज का ऑडिट कर सके। ठीक है, आपने किसका पूछा था? पूछा किसका था बता तो सही, मॉडरेटर का ना। हाँ मॉडरेटर का, मैंने उसका ये जो रोल होता है ना, ये एडिटर का, एडिटर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, काम ये वही करता है, लेकिन इसके बाद जो सेटिंग्स की एक्सेस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, बस ये फर्क है। ये एक्सेस सिर्फ एडमिन दे सकता है। हाँ, एडमिन दे सकता है, बट मॉडरेटर क्या करता है कि अगर इससे कोई गलत
हाँ बिल्कुल, ये एक्सेस होती है उसके पास, तो मॉडरेटर के पास बिल्कुल होती है, एडिटर के पास भी होती है और मॉडरेटर के पास भी होती है। एनालिस्ट बेसिकली होता है जो कि आपके पेज को सिर्फ ऑडिट कर सकता है, उसको गो थ्रू कर सकता है और वो बता सकता है कि इसमें हम और किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। एनालिस्ट कहते हैं बेसिकली एक डीप स्टडी करने वाले को। तो पेज एनालिस्ट वो होता है जो कि आपके पेज को स्टडी करे, ऑडिट करे और आपको बताए कि इसमें ये चीजें, ये चेंजेस इसको रिक्वायर्ड है, बस एनालिस्ट का ये काम है। अच्छा, रोल्स आपको समझ लग गए, टोटल कितने? 5 रोल होते हैं। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एडमिन का, ठीक है जी, इसके पास सारी एक्सेसेस होती हैं। उसके बाद फिर ये उसमें सीक्वेंस में है। अच्छा, अब अगर असल चीज आप देखो, आपके पेज, कोई भी आप पेज खोलो तो उसमें कुछ बटन ऐड होते हैं, व्हाट्सएप का, मैसेंजर का, साइन अप का, फॉलो नो, ये सारी सारी ये हम यहाँ पे जाके करते हैं, प्लस ऐड बटन पे। कोई भी अपने मतलब का डिजायर्ड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फॉलो, व्यू, गिफ्ट कार्ड, स्टार्ट ऑर्डर, बुक नाउ, कॉल नाउ, कॉन्टेक्ट अस, सेंड मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल, लर्न मोर, साइन अप, यूज ऐप, प्ले गेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो आपके डोमेन से होगा, आपके डोमेन से रेलेवेंट होगा, वो बटन आप यहाँ पे यूज कर लेंगे। आजकल व्हाट्सएप का ही ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन अगर आपका कोई होटल है तो आप स्टार्ट ऑर्डर कर लेंगे, ऐसे ही है। अगर आपका आपका कोई एंटरप्रेन्योर का है, या आप कोई सेलिब्रिटी है तो आप फॉलो का कर लेंगे। अगर आपका कुछ बुकिंग वाला सिस्टम है, कुछ जैसे होटल्स हैं, कुछ भी है, तो आप बुक ना होगा कर लेंगे। अगर आप कॉल का करना चाह रहे हैं तो कॉल ना होगा कर लेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, आपके इस बटन से लोग आपकी वेबसाइट पे जाएं, तो आप कॉन्टेक्ट अस का कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई फॉर्म दिया हुआ है जिसपे कोई आप चाहते हैं कि लोग जाके अपनी इंफॉर्मेशन दें, तो आप साइन अप का करोगे। अगर आपकी कोई मोबाइल ऐप चल रही है जिसका आपने पेज बनाया हुआ है प्रमोशन के लिए, तो आप यूज ऐप करोगे। अगर आप किसी गेम की प्रमोशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि लोग हमारे पेज पे आके वो स्पेसिफिक गेम खेलें, तो आप प्ले गेम करोगे। ये आपके सारे बटन हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, प्लस ऐड के बटन पे जाके। अगर आपका कार वॉश का है और अगर वो ऑनलाइन सिस्टम है, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराओगे। अगर नहीं, तो वैसे कार वॉश के लिए लोग ज्यादा व्हाट्सएप ही यूज करते हैं प्लेस को। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो, तो वो बुक ना होगा, होगा अपॉइंटमेंट, आप बुक करेंगे ऑनलाइन। नहीं, ये तो सिर्फ आप अबाउट सेक्शन में के यहाँ पे, हाँ, ऐड के बटन में ही हम व्हाट्सएप ऐड करेंगे, कॉन्टेक्ट अस पे वेबसाइट। जब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड कर लोगे ना, तो जो आपकी वेबसाइट को यहाँ से खोल देगा और वो वहां जाके फिर आपको ऑर्डर करेगा ना, जो चीज आप, हाँ, क्योंकि वेबसाइट खुल जाएगी ना फिर, तो वो तो प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया। इसलिए लोग कोशिश ही करते हैं कि जो हमारे पेज पे है वो पेज तक ही रहे, तो वो यहाँ पे व्हाट्सएप का या मैसेंजर का ऑप्शन ले लेते हैं ज्यादातर, क्योंकि व्हाट्सएप भी अगर आप देखो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, तो इस पे तो कन्वर्जन खत्म हो गई ना। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जिनकी अगर रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी है, तो वो मैसेज का दे देते हैं और हर टाइम उस पर ऑनलाइन रहते हैं, ताकि फेसबुक का जो वो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक तक ही यूटिलाइज रहे। बिल्कुल, ये एक अच्छा वे है अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बनाने का, कि हम यहाँ से जो है अपनी फेसबुक की वेबसाइट डाल देते हैं और यहाँ से बिल्कुल ट्रैफिक जाती है। इवन के मैंने आपको बताया था पेड मार्केटिंग में, जब हम पेड एड्स के टाइप मैंने आपको बताए थे, एक लीड जनरेशन का होता है, एक कन्वर्जन का होता है, एक पेज लाइक्स का होता है, और एक वेबसाइट विजिटर्स का ऐड होता है। आप फेसबुक से विजिटर ग्रैब करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो बिल्कुल ये अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, ये तो अब आज आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया किसके बारे में, फेसबुक की ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग खाली खाली फेसबुक मार्केटिंग तक महदूद
नहीं है, इसमें ट्विटर मार्केटिंग भी है, इसमें लिंक्डइन मार्केटिंग भी है, इसमें इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी है, तो हमने वो भी उसको भी टच करना है। खाली फेसबुक मार्केटिंग करना इस फील्ड का हक अदा करना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक अब आपको इतना हो गया है कि अब आप एक पेज क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, ऐसा ही है। जिन लोगों को बिल्कुल हार हो रही थी उनको भी अब आइडिया हो गया कि एक पेज किस तरह क्रिएट किया जा सकता है। अब इस पे काम किस तरह करना है वो अब आगे फर्दर हम उसमें करेंगे। क्योंकि वो आपका जो इंस्टाग्राम है वो एम्बेड होता है आपके फेसबुक के साथ। अगर आपका इंस्टाग्राम आपके फेसबुक के अटैच नहीं होगा तो वो नहीं शो होगा। आपका व्हाट्सएप और आपका इंस्टाग्राम आपके फेसबुक के साथ अटैच कर सकते हैं, तो सिर्फ उन्हीं को शो होगा जो अटैच हो रहे होंगे। अगर आपका इंस्टा अटैच नहीं हो, नहीं होगा। इंस्टाग्राम अटैच करने का तरीका भी आपको बता दूंगी, आपने अच्छा याद कराया। अक्सर लोग अपना फेसबुक जो है इंस्टाग्राम, आपको आता करना? हाँ आपको आता है फेसबुक से अटैच करना? चले कोई बात नहीं, आपकी वो हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। अच्छा दोबारा से बताता हूँ आपको। अब मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ कि फेसबुक या इंस्टाग्राम को अटैच किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके वो खुद ही आपको इंस्टाग्राम का ऑप्शन दे देगा। बस जब इंस्टाग्राम का ऑप्शन आएगा, अकाउंट को आपने कनेक्ट कर देना है यहाँ पे, अपना नंबर दे के जिस नंबर में भी वो बना हुआ है। ये देखें, कनेक्ट अकाउंट किया। यहाँ पे जब आप देंगे तो वो बिल्कुल आपको उसके साथ वो अटैच कर देगा। ये सिंपल वे है अपना इंस्टाग्राम, और ये ही वे है व्हाट्सएप को अटैच करने का भी। नीचे इंस्टाग्राम के बिल्कुल नीचे ही आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन भी है, ठीक है। और इस तरह आप अपना व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हैं, और ये आपके फेसबुक के साथ अटैच हो जाएगा। सिंपल, अब तो हर चीज का कॉलम बन गया है, तो आपको ज्यादा वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, फेसबुक की जो पेज की ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। बड़ा आसान सा था, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने में गलती करते हैं, अगर वो हम ना करें तो इससे आसान काम कोई नहीं किसी भी पेज को ऑप्टिमाइज करना। यार आप जितने मर्जी पूछो, कोई मसला नहीं। ये जो हम किसी सर्विस का या किसी और जो बड़े हमारे कैसे दान उनका जो पेज देखते हैं हम, उनके यानी कि वो थोड़ा सा लोगो लगा होता है, डबल टेक आता है। हाँ वो माइंड में आया कि वो भी मैंने काफी विजिट किया, उसको भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है, जो हमारी बड़ी सर्विस पर उठाए हमारे बड़े लोग उनको मैंने देखा है लोगो। वो आपके भी लग सकता है। नहीं, उसका एक तरीका और है जो हर बंदे को नहीं पता, जो मैन्युअली भी हम ले सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ आवर ब्रांड। उसका तरीका क्या था? अच्छा मैं आपको ऑनलाइन वालों को बता दूं कि ये भाई ने सवाल पूछा है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे फेसबुक के अकाउंट के आगे डबल टेक आ रहा होता है, जिसको हम ऑफिशियल भी कहते हैं, ऑफिशियल अकाउंट कहते हैं, है ना? ऐसा ही है ना हर जगह पे। वो डबल टिक किस तरह आता है? अगर तो आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपका बड़ा नाम है, आप एक सियासतदान है, एक पावरफुल बंदे हैं, तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली फेसबुक की तरफ से मिल जाएगा, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसको मैनुअली भी करें, उसका एक तरीका ही होता है जिसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ योर पेज या वेरिफिकेशन ऑफ योर अकाउंट स्टेप। उसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर्म होता है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है फेसबुक का, आपका ब्रांड नेम मांगेगा, आपकी ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि आप इसका इस यानी इस स्ट्रॉन्ग के हैं कि आपको डबल टिक मिला जाए। जब आप वो इन्फॉर्मेशन, वो जो फॉर्म आप पूरा करते हैं,
तो फेसबुक आपको रिव्यू करता है आपकी पेज का या आपके अकाउंट का, फिर वो आपको डबल टिक अलॉट कर देता है, क्योंकि आप उतने पावरफुल हो गए नहीं ना, आपको वो लगा नहीं होगा कि आप उतने पावरफुल हैं। ये एज अ एंटरप्रेन्योर मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एज अ बिजनेसमैन करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपको कोई ब्रांड है तो वो तो आपका अपना ही ब्रांड है ना, तो उसको मिल जाएगा। उसका तरीका ये है, जब आप फेसबुक पे लिखते हो ना, ये देखो इसको हम कहते हैं वेरीफाइड बैच, नजर आ रहा है? ये देखो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ये आपको फिल करना पड़ेगा सारा, ठीक है? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये था कि आपको उसने प्रूव नहीं किया, वो मैं बताता हूँ। आपने वो किया था अपने लिए ना, डोमेन क्या थी, किस लिए आपको? हाँ देखो ना, वो तो सिर्फ उनको मिलेगा ना जो कि बहुत सेलिब्रिटी है, बहुत स्ट्रांग है, जिनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप में वो लेना जरा मुश्किल है, उसके लिए आपके फॉलोअर ज्यादा होने चाहिए, उसके लिए आपके अकाउंट में लाइक्स, फ्रेंड्स वगैरह ये वो ज्यादा, काफी ज्यादा होने चाहिए, हजारों में नहीं लाखों में होने चाहिए, फिर आपको जाके मिलेगा कि लोग आपको पहचाने। आपके बिजनेस के लिए वो लेना आसान है, जब आप अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ दोगे ना, अगर वो बिजनेस आपका जेन्युइन है, अगर आपकी वाकई किसी चीज की शॉप है या वाकई किसी चीज की दुकान है, तो आपको दे देगा। अगर वो चीज नहीं है, गूगल पे वगैरह पे वेबसाइट पे वो चीज अवेलेबल नहीं है, फिर वो आपको नहीं देगा। अब जैसे आपका एक बिजनेस है, उसकी गूगल पे भी वो प्रेजेंट है, उसकी वेबसाइट भी है, उसकी वो आप उसकी लोकेशन भी है, आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ डालोगे, उसको वेरीफाई करेगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वो आपको ना दे। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन ही गलत दे रहे हो, तो वो इतना बच्चा नहीं है कि आप उसको पागल, पहले होता था, पहले बड़े लोगों ने डबल टिक लिया ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन दे के, लेकिन अब फेसबुक का एल्गो काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, अब उसको पागल बनाना इतना आसान नहीं है, आपकी जेन्युइन जान पहचान होनी चाहिए। अच्छा, आप ने ये पूछा है कि अगर हम एज अ प्रमोटर्स या एज अ जो है काम करना चाहें दूसरे लोगों के साथ, दूसरे ब्रांड हमें हायर करें, देखिए इसका सबसे ज्यादा तरीका यही होता है कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। हमें फेसबुक पे लोग क्वेरीज डालते हैं कि हमें फेसबुक मार्केटर चाहिए, हमें इंस्टाग्राम मार्केटर चाहिए, हमें सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, हम वहाँ जाके जो है अप्लाई करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो फिर हमें वहाँ से अच्छा इंटरव्यू हम देते हैं, हमें पास करते हैं, तो हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, फेसबुक पे मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट के, फुल टाइम प्रोजेक्ट के, आप वहां से जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फिर वो आपको हायर करते हैं। तीसरा, फ्रीलांसिंग फाइवर पे हम काम करते हैं, वहां बिडिंग करते हैं और वहां से हम सोशल मीडिया के प्रोजेक्ट लेते हैं, ये तीन चार है। और चौथा जॉब है कि आप फुल टाइम जॉब करें। अच्छा, अब सोशल मीडिया के लिए अगला टास्क आपको क्या है? अगला टास्क आपको ये है कि आपने ट्विटर का और लिंक्डइन का अकाउंट बनाना, सिर्फ अकाउंट बना के लाना, ट्विटर अकाउंट होना चाहिए बस, ट्विटर का और लिंक्डइन का। अब उसके ऊपर किस तरह काम करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड ऑनलाइन किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले। यार कोई मुश्किल नहीं, फॉर्म खुला था आपके सामने। अब सबसे पहले तो ये आपसे पूछेगा कि आपने पेज वेरीफाई करना है कि अपना अकाउंट, ठीक है? अगर आपका पेज है तो आप पेज वेरीफाई करोगे, अगर आप अकाउंट वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो प्रोफाइल वेरीफाई करोगे, ठीक है? उसके बाद आप पूछोगे, आपसे वो कैटेगरी पूछेगा कि आपकी डोमेन क्या है, आप स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन है, म्यूजिक है, फैशन, एंटरटेनमेंट, जो भी है, यहाँ पे आप अपना गिवन कर दोगे, ठीक है? उसके बाद वो आपसे आपकी फोटो मांगेगा आईडी की, ठीक है? अक्सर लोग ये प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उनको टिक नहीं मिलता, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा, फिर वो आपसे रीजन मांगेगा कि क्यों आपका पेज वेरीफाई आपको
टैग, आपको दो टिक ब्लू टिक क्यों चाहिए, यहाँ पे आपने अच्छा सा एक डिसेंट सा देनी है वजह। इसमें हम क्या गलती करते हैं कि हम बोंगी मार देते हैं कोई ना कोई और वो फिर उसको वेरीफाई नहीं करता। अच्छा, अपने बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स आपने बताने हैं कि आप कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, उनके लिंक आपने यहाँ देने हैं। जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे उसने आपको वेरीफाई करना ही करना है। जब आप इनमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन ही खा जाओगे ना तो आपको वेरीफाई नहीं करेगा। अब आप कोशिश ये करना सारी इन्फॉर्मेशन दे के किसी ब्रांड की, वो कर देगा वेरीफाई। ठीक है जी, आज का लेक्चर के हवाले से किसी को किसी किस्म, बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, हमने सिंपल फेसबुक का अकाउंट बनाना सीखा, फेसबुक के पेज को ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं वो बनाना सीखा, प्लस हमने ये सीखा कि ब्लू बैज की वेरिफिकेशन किस तरह करते हैं। सिंपल सा लेक्चर था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। अच्छा, इसका ये जो आप सर्च बार में लिखेंगे ना कॉन्टैक्ट, क्या उसका नाम है, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन, तो ये आपको आ जाएगा, ये इसका लिंक है। ये लिंक है इसका, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हेल्थ सेंटर में जाएंगे तो ये आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर यहाँ तक क्लियर है सबको। बाकी अब जो मैंने आपको टास्क दिया है उस पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर हम बाकी काम उस पर करेंगे। और कोशिश आप सबने ये करनी है कि यार टाइम से आया करें, आज भी काफी लोग लेट थे, टाइम से आप लोग आया करो ताकि हमारा काफी जितना ज्यादा टाइम है वो यूटिलाइज हो, टाइम वेस्ट ना हो हमारा।